Hello students, welcome to Unacademy Studios SK Velocity, your one-stop solution for complete JEE preparation. So dosto, Sunday hai aur main aap logo ke liye ek aur piece of information wala video leke aaya hoon. Pichle Sunday maine mathematics ke different olympiads ke bare mein bataya aur kuch bachcho ka comment aaya ki sir science olympiads ke bare mein bhi thoda bahut information hame dijiye ki kaun kaun se science olympiads hote hain India mein jo excuse me jo hum log de sakte hain. So, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन-कौन से साइंस ओलंपियाड्स आप दे सकते हैं और साइंस ओलंपियाड्स का मतलब ये है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं. सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्योंकि इस वीडियो के अंदर साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. सो वीडियो का नाम क्या है? All About Science Olympiads. साइंस ओलंपियाड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी ही देर में मिलने वाली है दोस्तों. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है. सो दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत जैन. All About Science Olympiads इस टॉपिक का नाम है. कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 12 बजे दोस्तों ये मेरा टाइमिंग है 12 बजे का. सॉरी 12 बजे मेरा ये कोर्स चलता है कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री. 3 बजे केवीपीवाई क्रैश कोर्स एनटीएससी क्रैश कोर्स मेरा चलता है. 3 बजे का जो टाइमिंग है वो मेरा रहता है. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप मुझे @prashant42jain ये मेरा कस्टम यूआरएल है यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों. जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मेरी जो प्रोफाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उस सारे वीडियोस की एक्सेस आपको मिलती रहेगी. सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि मेरे जो लेसन्स हैं जैसे अभी IIT-JEE के प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं एनालिसिस डाल रहा हूँ वहाँ पे, 2019 के सॉल्यूशंस अभी मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो ये सारे आपको मिल सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो, ठीक है. फिर उसके बाद मेरे कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ मैं दोस्तों. 8 बजे से 9:30 बजे तक सुबह ये मेरा कोर्स रहता है. 8 to 9:30 AM 8 से 9:30 बजे तक ये मेरा कोर्स रहता है. मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अक्टूबर में ये खत्म होने वाला है. आप देख सकते हैं 2 सितंबर से 25 अक्टूबर इसके बाद मैं जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट के लिए रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों का दोस्तों, ठीक है. तो इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दूसरा कोर्स दोस्तों KVPY का है, क्रैश कोर्स ऑन KVPY. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि KVPY भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसा आप लोगों को पता है, ठीक है. इस कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इसके अंदर भी 19 अक्टूबर को ये कंक्लूड होगा, 26 अगस्त को चालू हुआ था. आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके प्लस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और मुझसे ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं. और कौन सी चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों. प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताएं. टेस्ट सीरीज है 11th 12th और ड्रॉपर्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज है. उसके अलावा बैच कोर्सेज है, इंडिविजुअल बैच कोर्सेज है, मतलब अगर आपको बैच में पढ़ना है फैकल्टी मेंबर्स फिक्स है और उस बैच में आप पढ़ते हैं, कोर्स प्लानिंग फिक्स है, टेस्ट प्रॉपरली होते रहते हैं तो आप बैच में भी पढ़ सकते हैं. उसके अलावा केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स तीनों के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं. सो मेरा जैसे इंडिविजुअल कोर्स 2 मैथमेटिक्स के मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं, उसी तरह से और भी लोगों के इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं. सो यू कैन वेरी वेल आप लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन लोगों से, हम लोगों से पढ़ सकते हैं. सो इंटेंट यही है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए. क्यों? क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं एज एन एडुकेटर वी आर नॉट ओनली टीचिंग यू, वी आर एक्चुअली मेंटरिंग यू. आपकी अकेडमिक नॉन अकेडमिक सब तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये चीज़. तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को समझते हुए रादर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और प्लस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए दीज आर द सब्सक्रिप्शन चार्जेस. ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं हमारे दोस्तों. सो अगर मैं बात करूँ 11th क्लास के लिए तो 11th क्लास के लिए 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, ठीक है. कुछ बच्चे 9th 10th में भी जेई की प्रिपरेशन आजकल स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए भी 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, ठीक है. तो आप लोग 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. तो ये अमाउंट इसका 40,000 आएगा. इसमें 30+ आवर्स ऑफ लाइव लेसन एवरी डे एंड दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. हम लोग नए नए एडुकेटर्स लाते जा रहे हैं तो काफ़ी सारे एडुकेटर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी और बहुत सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही है. लाइव कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, 39+ टॉप एडुकेटर्स, न्यू कोर्सेज पब्लिश एवरी मंथ, हर महीने नए नए कोर्स पब्लिश हो रहे हैं. सो अगर मैं नेट पेएबल अमाउंट की बात करूं तो 40,000 है, बट अगर मेरा कोड यूज करेंगे PJ Live तो ये अमाउंट 36,000 हो जाएगा,
10% का डिडक्शन इसके अंदर आ जाएगा 2 ईयर का लेते हैं तो। उसके अलावा अगर 1 ईयर का लोग ऑप्ट करते हैं, 1 ईयर का ऑप्ट करने पर आप लोगों को ये जो अमाउंट है 25,000 पड़ता है और 10% रिड्यूस होने में 22,500 हो जाएगा। अगर आप लोग के दिमाग में ये कि यार मेरे को जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन दी है, तो जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से आप लोग 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बहुत सही पड़ेगा आपको, 12,500, इसमें भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप पीजे लाइव कोड यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। सो आई होप आप लोग जल्दी से हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तो सॉरी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो साइंस ओलंपियाड्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट साइंस ओलंपियाड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट ओलंपियाड्स के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो जूनियर साइंस एंड सीनियर साइंस ओलंपियाड जिसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, तो मैंने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए, तो बस मैं यहां पे इनके नाम लिखूंगा केवल। ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, IAPT प्लस HBCSC। IAPT इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, HBCSC होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन। ये जूनियर साइंस होता है एक, तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जूनियर साइंस, इसकी सेकंड स्टेज INJS होती है, बताया था मैंने आपको। इसके बाद फिर OCSC होता है, फिर PDT होता है और फिर इंटरनेशनल स्टेज होती है, राइट ये चीज होती है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के ओलंपियाड्स होते हैं और एस्ट्रोनॉमी, ये 4 ओलंपियाड्स होते हैं, उसके अंदर भी यही स्टेजेस होती हैं दोस्तों। अब देखिए, जो बच्चे जूनियर साइंस दे सकते हैं वो सीनियर साइंस नहीं दे सकते, जो सीनियर साइंस देंगे वो जूनियर साइंस नहीं दे सकते। जूनियर साइंस की जो डेट है इस साल की वो 17 नवंबर है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सीनियर साइंस की अगर मैं बात करूं तो 24 है, एक वीक बाद रहती है इसकी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एस्ट्रो, इसके अंदर भी यही सारी स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होने के बाद स्टेज 2 होता है, स्टेज 3, इसके डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज इन वीडियोस को देखिए। मैंने आप लोगों को बताया था, एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देना चाहता हूं वो ये है कि अचीवमेंट्स इन दीज ओलंपियाड्स डायरेक्टली बेनिफिट योर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन। लिख में इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग इसको अपनी जहन में बिठा लो, इन MIT। मैं चाहता तो लिख सकता था कि कोई मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बट MIT एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन यूनिवर्सिटीज का। तो दोस्तों इसमें मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, जैसे लाइक इफ आई नेम सम स्टूडेंट्स, लय जैन, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी IIT-JEE के अंदर, फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड 12th क्लास में फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड, IJSO के अंदर गोल्ड मेडल, तो ये सब मिला जुला के ही वेंट टू MIT। फिर अगर मैं बात करूं, अभी एक स्टूडेंट है धेय गांधी का भी MIT में हो गया है, धेय गांधी के अंदर भी केमिस्ट्री ओलंपियाड 10th में सिल्वर मेडल, 11th में गोल्ड, 12th में गोल्ड। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव चीज है, मतलब एक ही ओलंपियाड में 3 बार बहुत अच्छा करना, ठीक है। उसके बाद स्तुति खंडवाना के बायो में गोल्ड मेडल, JSO में गोल्ड मेडल, और वो भी अब MIT में है और सब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। उसके अलावा पवन गोयल की मैं बात करूं तो पवन गोयल ऑल इंडिया रैंक 4 IIT-JEE फिजिक्स ओलंपियाड सिल्वर मेडल 11th क्लास, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड, फिजिक्स ओलंपियाड फिर गोल्ड, IJSO गोल्ड, तो दुनिया भर की चीजें हैं। उसके बाद ये लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, MIT पहुंचे हैं। सो बेसिकली अगर इन और एग्जाम में इंटरनेशनल अचीवमेंट्स आप लोगों के होते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली आपको मौका मिलेगा कहाँ पे पढ़ने का, MIT में। तो इसलिए इन ओलंपियाड्स का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को फॉरेन में पढ़ना है, तो फॉरेन में पढ़ने के लिए देखिए क्या होता है, आपको पता है SAT एग्जाम देना पड़ता है, SAT एग्जाम आपको देना पड़ता है, उसके अलावा आपको एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है। एप्लीकेशन लिखने के लिए कुछ एसेज होते हैं,
जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो, कोई टॉपिक होता है उसके बारे में लिखते हो, उसके अलावा दोस्तों आप लोग और क्या चीज़ें लिखते हो, और अपने अचीवमेंट्स लिखते हो। जब आपके अचीवमेंट्स होते हैं उन अचीवमेंट्स को आप लोग लिखने की कोशिश करते हो। सो दोस्तों इन सब अचीवमेंट्स को लिखने के बाद फाइनली आप ये चीज़ पे कॉन्क्लूजन पे आते हो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कैसी है, फिर उसको सबमिट करते हो आप, और वो प्रोफाइल फिर स्क्रूटिनाइज की जाती है, और वो जितनी पावरफुल होगी उसमें इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट मुझे बताना था आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा तो आप MIT नहीं जा सकते हो। मैं एक स्टूडेंट का नाम बता सकता हूँ, मीनल पारख, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी JEE 2018 में, तो वो भी मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं अभी, और उनका केवल इस बेसिस पे था कि वो गर्ल टॉपर थी IIT-JEE के अंदर। तो IIT-JEE बहुत स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है सॉरी उसकी तो वैल्यू है ही सही, मगर अगर इन ओलंपियाड में आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स है, राइट। अगर इंडिया अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रहा है तो अमेरिका भी भेज रहा है, चाइना भी भेज रहा है, रशिया भी भेज रहा है। सो दीज स्टूडेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। और फिर देखो सबसे अच्छी बात क्या है, जब बच्चे वापस लौट के आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनको फेलिसिटेट करते हैं, राष्ट्रपति भवन में उनका सम्मान होता है, तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग फोकस्ड हैं, आप लोगों को चाहिए कि भाई इंडिया के लिए कुछ करना है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इंडिया के लिए कर सकते हैं। सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से इसको बताया है। ऑल दो इंडिविजुअली मैंने सबके वीडियोज़ बनाए हुए हैं, बट एक समराइज वीडियो मैं बनाना चाहता था, समराइज्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्राइवेट साइंस ओलंपियाड की। तो प्राइवेट साइंस ओलंपियाड की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, NCERT वाला VVM है एक, तो वो मैंने बताया था आपको, बट ये सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। KVPY के बारे में हम लोग एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं, KVPY आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये भी सेमी गवर्नमेंट है, या फिर गवर्नमेंट ही भी मान सकते हैं इसको तो अपन लोग। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NSTSC, ये सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट ओलंपियाड है एक तरह से, NSTSC नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, ये होता है यूनिफाइड काउंसिल द्वारा, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिफाइड काउंसिल, काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो पेपर आता है उसमें 10 नंबर की जनरल साइंस भी आती है, ठीक है, और सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। तो ये कुछ ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे बच्चों को एक तरह से बचपन में ही एक्सपोजर मिल जाएगा, बचपन में मतलब कि बहुत पहले एक्सपोजर मिलने चालू हो जाएगा, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, ठीक है। फिर NSO करवाया जाता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा, IOS, सिल्वर जोन द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अब पता है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और है NOF जो अपना साइंस ओलंपियाड कराती है, नेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन, इनका भी एक साइंस ओलंपियाड होता है। तो ऐसे देखो ये जो चार है ना, ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल लेवल पे, इनके क्या होता है जो स्टेज वन होता है, जनरली दो स्टेज के एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेज वन स्कूल लेवल पे होता है। तो बेसिकली ये स्कूल को अपना एसोसिएट बनाते हैं, स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करते हैं, स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करने के बाद फाइनली फिर बच्चे क्या करते हैं, अपने जो पोटेंशियल है वो चेक करते हैं, फिर इसके अंदर स्कूल लेवल पर रैंक आती है, स्टेट लेवल पर रैंक आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैंक आती है। तो बच्चों को ये अंदाजा होता है कि वो अगर मतलब नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करें तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन करो एक फोर्थ क्लास का बच्चा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा है, उसके पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मैंने देखे ऐसे बच्चे जो फोर्थ क्लास में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर उनको ये जानना है कि भाई हम नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं, ये एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों को इन एग्जामिनेशंस के बारे में भी नहीं पता होता, ऑल दो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का पेनिट्रेशन बहुत हाई, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन, ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स इन एग्जामिनेशन को कराते हैं, CBSE स्कूल्स तो, ठीक है। तो ये एक कुछ एग्जामिनेशन है, स्टेज वन इनकी जनरली नवंबर दिसंबर में होती है, फिर उसके बाद स्टेज टू कहाँ होती है दोस्तों,
जनवरी फरवरी में, कुछ जगह पे स्टेज थ्री भी है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने इतने काम की नहीं है, बट ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। प्राइवेट ओलंपियाड्स का सबसे ज़्यादा महत्व उन बच्चों के लिए है जो छोटी क्लासेस में होते हैं। अगर मैं 8th-9th क्लास के बच्चों की बात करूं तो उनका प्राइमरी टारगेट, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वैसे देखिए स्कूल की जो पढ़ाई है ना वो कभी भी हैम्पर नहीं करनी चाहिए आपको इसके लिए। स्कूल की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा चैलेंज चाहिए तो ये ओलंपियाड आप दे सकते हैं। और अगर आप 8th-9th में और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई में तो जूनियर साइंस ओलंपियाड जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप 10th-11th के अंदर आ गए हैं और मान लीजिए जूनियर साइंस में आप नहीं है तो फिर आप NTSC दे सकते हैं, मतलब 10th क्लास के अंदर NTSC दे सकते हैं, 11th में KVP वगैरह दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो नवंबर दिसंबर के अंदर ये कहानी है जो आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये प्राइवेट ओलंपियाड है। उसके अलावा अब नेक्स्ट मैंने पता दो लिखे यहाँ पे APHO ANCQ। अब ये जो एग्जामिनेशन है ना ये बाहर के, एक तरह से ANCQ क्या है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल ऐसा कुछ तो है, नेशनल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम है ये, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बट केमिस्ट्री का ये एग्जामिनेशन है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसमें हमें एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बेंचमार्किंग मिलती है। इंडिया एक कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर यह APHO है, एशियन फिजिक्स ओलंपियाड। एशियन फिजिक्स ओलंपियाड का दोस्तों मैंने इसलिए अलग से मेंशन किया है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग एग्जामिनेशन है, ऑल्दो इसका रास्ता भी NSEP से होके जाता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स, इसी से होके इसका रास्ता जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, APHO एशियन फिजिक्स ओलंपियाड। तो NSEP की अगर मैं बात करूँ तो ये ओलंपियाड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मतलब ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों एग्जामिनेशन है ना ये एक तरह से साइंस के भी हैं बट नेशनल लेवल पे भी हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं एक तरह से। एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में एज दी नेम सजेस्ट केवल एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में भी अगर मेडल आता है तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इंटरनेशनल मेडल, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो साइंस ओलंपियाड के बारे में मैं देना चाहता था, बट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ एज अ कॉन्क्लूजन, जो हमारा कॉन्क्लूजन है सर, ठीक है। सबसे पहला कॉन्क्लूजन है, डू नॉट हैम्पर योर स्कूल की पढ़ाई या फिर आपकी JEE प्रिपरेशन। इन एग्जामिनेशन के चक्कर में आपको JEE प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है मेरा, मतलब स्टूडेंट था, सो उसने जूनियर साइंस ओलंपियाड में बहुत अच्छा किया, फिजिक्स ओलंपियाड में अच्छा किया, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, सारे ओलंपियाड में उसने बहुत अच्छा किया, बट फाइनली उसकी IIT में टॉप 100 में रैंक नहीं आ पाई। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि उनका फोकस 12th क्लास में भी वही ओलंपियाड होते हैं। कुछ बच्चे इन ओलंपियाड में इतना ज़्यादा लग्न ही, मतलब इनकी इतनी ज़्यादा लगन हो जाती है इनको इनके साथ कि बच्चे ही भूल जाते हैं कि IIT-JEE से बड़ा एग्जामिनेशन, IIT-JEE से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल भी लूँ तो फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाइड हूँ, केमिस्ट्री ओलंपियाड में INCHO में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। उसके अलावा NTSC KVP सब मैंने निकाला हुआ है, IEEE में बहुत अच्छी रैंक थी। बट आप लोग अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जानते हो या फिर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से सक्सेसफुल हूँ तो वो है मेरी IIT की रैंक। जो मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिला था। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे मुझे Day 1 बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला था, उसकी वजह से मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिला था, उसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाई, उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने इतनी बातें कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों IIT-JEE की रैंक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद 10th और 12th के मार्क्स हर जगह पूछे जाते हैं। आप IIM में इंटरव्यू दो, कहीं पे भी दो, 10th-12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को हैम्पर करके आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें IIT-JEE में करना ही नहीं है कुछ भी, हमें तो बाहर पढ़ना है तो इसलिए हम इन ओलंपियाड्स को फोकस कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि IIT-JEE की को IIT-JEE कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जिसको आप सेकेंडरी रखो,
इट इज ऑलवेज अ प्राइमरी एग्जाम. उसकी वजह से आपके दूसरे एग्जामिनेशन निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जैसा IIT-JEE का होता है. थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, कम नहीं है, 90% सिलेबस सेम है. अब दोस्तों अगर जब 90% सिलेबस आपका सेम हो गया तो मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड आप चूज कर सकते हो. एस्ट्रो ओलंपियाड बिल्कुल अलग है, एस्ट्रो ओलंपियाड को छोड़ दो. अगर आप 12th क्लास में हो तो अगर आपको कोई ओलंपियाड करना है तो जस्ट गो फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड, डू नॉट गो फॉर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, राइट. सो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक गाइडेंस था, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. अगर आपका बेसिक सब बढ़िया चल रहा है तब जाके इन एग्जामिनेशंस को आप कॉम्पीट कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि क्या प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं और क्या क्या उनमें सब चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट ओलंपियाड्स कौन से हैं. सारे को मैंने एक वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की है. सो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कीप लाइकिंग आवर वीडियोस. रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन. व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर वीडियोस. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और PJLive ये कोड जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको कोई से भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा. सो दोस्तों प्लीज डू PJLive, है ना, PJLive कोड यूज कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म पर जल्दी जल्दी आ जाइए, मुझसे पढ़िए और भी बहुत सारे एडुकेटर्स उनसे पढ़िए, ठीक है. आप लोगों के लिए NTSC KVPY का क्रैश कोर्स चल रहा है YouTube पे और उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है. सो दोस्तों बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच अब हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए. सो आई होप जल्दी जल्दी आप लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हुए हम लोगों का सबका नाम रोशन करेंगे. थैंक यू.